अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आप लोगों को इसका ज़रा डेमो दे देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को दो अकाउंट्स दिए हुए हैं, एक एडमिन का अकाउंट होगा और एक यूज़र का अकाउंट होगा। यूज़र के अकाउंट को थोड़े से कम प्रिविलेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल वो ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं कर पाएगा। जो एडमिन का अकाउंट है वो सारी चीज़ें जो है वो कर पाएगा। सो सबसे पहले एडमिन के थ्रू लॉगिन हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, ईमेल के अंदर पेस्ट कर दूंगा एंड देन पासवर्ड को जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसको हम लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको यही ट्यूटोरियल देखना है तो आप लोग वॉच ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे और ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड यहाँ से मैं प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐड करना है कोई प्रोडक्ट, रिमूव करना है, उसकी उसका नाम चेंज करना है, उसकी कीमतें चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, वो यहाँ से कर सकते हो। हर महीने की जो रिपोर्ट्स हैं, कौन कितने ऑर्डर्स किए, किस तरह के ऑर्डर थे, कितने पैसे जनरेट हुए, वो सारी रिपोर्ट जो है वो मंथली आप लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अगर कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो आप लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो इस जगह से। जितने भी ऑर्डर्स आप लोगों ने प्लेस किए हैं वो आप लोग ऑल ऑर्डर्स पे देख सकते हो, और जितने कैंसिल किए हैं वो कैंसिल ऑर्डर पे देख सकते हो। यहाँ से आप लोगों को यूज़र प्रोफाइल नज़र आ जाता है। यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर पाओगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों को नज़र आएगा, और हम लोगों को आप लोगों के पासवर्ड्स नज़र नहीं आएंगे। वो सिक्योर है, ताकि डेटाबेस जो है आप लोगों का कंप्लीटली सिक्योर रहे। फॉर दिस अकाउंट, क्योंकि ये मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है आप लोगों के, तो आप लोगों को पासवर्ड चेंज करने की अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ से मैं प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, एक्स वाई जी या टेस्ट प्रोडक्ट, मैं कह देता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट, और इसकी कोई प्राइसेस लग देता हूँ, और प्राइस 150 एड प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो आईडी है वो नॉन एडिटेबल है और जो प्रोडक्ट का नेम है वो एडिटेबल है। तो मैं यहाँ पर टेस्टिंग प्रोडक्ट कर देता हूँ, एंटर दबाऊंगा और ये नाम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से प्राइस आगे चल के आप लोग इसकी बढ़ाना चाहते हो, मेक इट 250, एंटर दबा दें, ये 250 का हो जाएगा। अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर आप लोग इस प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो आप लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हुए हैं यहाँ पर इस जगह पे, उनके ऑर्डर्स आप लोग प्लेस कर सकते हो, और यहाँ से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे डाइन इन हो रहा है, टेक आउट हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है। तो आप लोग लेट्स से डिलीवरी पे क्लिक करते हो तो आप लोग चार्जेस लगाओगे डिलीवरी के। टेक आउट के कोई चार्जेस नहीं है, डाइन इन के कोई चार्जेस नहीं है। मैं डिलीवरी के कुछ चार्जेस लगा देता हूँ, मे बी 250, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं मे बी अच्छे पिज़्ज़ा, राइट। तो पी आई के साथ जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो मे बी पी के साथ हैं, चीज़ पराठा है, राइट, चीज़ पराठा कर देते हैं। इसकी क्वांटिटी आप लोग बढ़ा सकते हो और कुछ और कर दो। टेस्टिंग प्रोडक्ट, राइट, टी, ये रहा टेस्टिंग प्रोडक्ट। तो ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाता है, आप लोग इसको चेकआउट कर दोगे, ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ओके कर दें, और ये रहा आप लोगों का ऑर्डर। अब यहाँ पर रिसीट देखने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे जनरेट के ऊपर। तो जैसे ही जनरेट करोगे तो अब आप लोग यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो, ये फील्ड मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप लोग कहोगे कि भाई 1100 का ऑर्डर है और बंदे ने हमें दिए 1500 रुपये। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 1500, ठीक है। तो 400 रुपये का क्या है, चेंज है हमारे पास, और मैं इस बिल को प्रिंट कर दूंगा, राइट, दे यूगा। और यहाँ से मैं रिसीट जनरेट कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं किचन रिसीट को भी चेक कर सकता हूँ। जैसे किचन रिसीट हो गई, तो ये किचन रिसीट है, और इसको प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा, और जैसे प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ब्लैक कॉपर, हमारे पास प्रिंटर जो इंस्टॉल होगा उसको जो है वो सिलेक्ट करेगा, और इसको प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये आप लोगों के पास प्रिंट हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देता हूँ, बैक टू ऑर्डर्स पे आ जाता हूँ। अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ कैंसिल, और इसका रीज़न बता देता हूँ कि भाई मे बी द रीज़न इज टेस्टिंग प्रोडक्ट, राइट, और इसको कंफर्म कर दो, ओके कर दो, और
ऑर्डर जो है वो आप लोगों का चला जा चुका है, तो आप लोग कैंसिल ऑर्डर्स पे जैसे ही आओगे तो आप लोगों को नजर आएगा ये रहा टेस्टिंग प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर 47 और ये 1100 है, राइट। और अगर मुझे मंथली रिपोर्ट जनरेट करनी है तो मंथली रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, और अगर 12th मंथ की जो रिपोर्ट है उसको जनरेट करना है तो मैं आ जाऊंगा 12th पे, आके यहाँ पे क्लिक करूंगा मे बी 12 एंड देन 2024 और इसको करूंगा डाउनलोड मंथली रिपोर्ट, और यूं जो है आप लोगों को ये मंथली रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, देयर इट इज। या आप इसको हम लोग लॉग आउट कर सकते हैं, तो लॉग आउट करने के लिए मैं लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इट विल बी लॉग्ड आउट। या प्रीटी मच इट। इसको टेस्ट करें, ट्राई करें, और कोई इश्यूज हो तो मुझे बताएं, कोई चीज़ समझ में ना आए तो भी मुझे बता दें।